मैंने हमेशा लोगों से ये कहते हुए सुना है कि इंसान को सही तरीके से जीने के लिए मंजिल का नहीं सफ़र का ध्यान और फिक्र करना होता है। मुझे इसके पीछे का रीज़न कभी समझ में नहीं आया था, लेकिन आज जब मैं हैदराबाद से वापस अपने घर को जा रहा हूँ तो मुझे कुछ बातें अब क्लियरली समझ में आने लगी है। छोटी छोटी चीज़ों से मारा है मैंने मन, सोचा कभी तो मिलेगा मेरे कामों का रिटर्न, अभी लेके अपनी लिस्ट उन्हें करूंगा मैं तंग सभी का। लेकिन 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 ऐसा नहीं है। हे दोस्तों, कैसे हो? आई बिलीव कि आप सभी अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी एकदम मस्त हो रखा हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ना हर एक छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना चाहिए, कभी भी बड़ी चीज़ों के लिए वेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि कितनी भी बड़ी खुशी क्यों ना हो आपकी ज़िंदगी में, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन, दो दिन या एक सप्ताह तक खुश रह सकते हो, आप जीवन भर तक कभी खुश नहीं हो सकते हो। बस छोटी छोटी चीज़ें ही है जो आपको ज़िंदगी भर तक खुश रख सकती है। बहती हवाओं के जैसे है इरादे, उड़ते परिंदों से सीखी है जो बातें। हाँ तो भाई, मेरे ज़िंदगी जीने का या ज़िंदगी को देखने का नज़रिया और तरीका दोनों ही बदल सा गया है। क्योंकि पहले मैं जब भी घर से हैदराबाद को या हैदराबाद से घर को ट्रैवल करता था तो हमेशा ये कोशिश करता था कि मैं ट्रेन की जर्नी को अवॉइड कर सकूं, लेकिन जब भी ट्रैवल करनी होती थी तो ये काफ़ी कष्ट भरा और स्ट्रगलिंग भरा रहता था। मैं हमेशा मंजिल के प्रतीक्षा में रहता था, बट इस बार मैंने अपने सफ़र को काफ़ी अलग लिया है और हर एक पल को मैंने एंजॉय किया है। रस्ते पे अखियां रास्ता देखें पिछड़े मीतों का। हैदराबाद से गुवाहाटी तक का सफ़र 45 घंटों में कंप्लीट करना होता है ट्रेन में। उसके बाद फिर से हमें गुवाहाटी से तिनसुकिया का ट्रेन लेना होता है, जो कि लगभग एक 10 घंटे का सफ़र होता है। तिनसुकिया में उतरने के बाद हमें बस ले करके अपने गांव तक आना होता है, फिर वहां से हमें दोस्तों के साथ या फिर ऑटो पकड़ कर अपने घर तक आना होता है। तो इस प्रकार से हम घर से सिटी तक का फासला तय करते हैं। जब भी मैं गुवाहाटी को बीच में अपने सफ़र में ही छोड़ देता था, लेकिन इस बार थोड़े से समय निकाल करके मैंने गुवाहाटी को घूमा है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा सिटी है। आपको दिखाऊंगा गुवाहाटी का एक सिनेमैटिक लुक। अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और नहीं होता, मैं हूँ ओल्ड स्कूल, मुझसे मूव ऑन नहीं होता, जाने वो कहाँ गई, बह